सेम प्राइस है सारे रूम्स का। तो आप प्रीमियम लो, ग्राउंड फ्लोर लो, उधर की साइड लो या इधर एंड की साइड लो, स्विमिंग पूल की साइड लो, कहीं भी लो, सेम प्राइस मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपको। और सामने देखो स्विमिंग पूल है इनका, बिल्कुल साफ सुथरा पानी स्विमिंग पूल का। और व्यू देखो सामने, व्यू बहुत ज़बरदस्त है। तो कंपनीज जो ट्रिप्स कराती हैं तो उसके लिए सिस्टम पूरा है यहाँ पर। तो कॉर्पोरेट बुकिंग में मतलब कितने लोग मैक्सिमम आप ले सकते हैं, इस एरिया के बारे में बताइए, कॉमन एरिया के बारे में। सर यहाँ गेम्स का है एक्चुअली, तो ये और बड़ा सिटिंग एरिया है, ओपन है यहाँ पर, स्पेस भी काफी अच्छा है, मतलब काफी बड़ा रूम है, मिक्सर वगैरह प्रॉपर लगा है यहाँ पे और वॉशरूम काफी साफ सुथरा है। तो ये यहाँ का गार्डन एरिया है, मतलब वॉक इन एरिया, आप जैसे डिनर वगैरह लंच वगैरह करके आराम से वॉक कर सकते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम आए हैं रामनगर, और रामनगर में हम आए हैं अरोमा पार्क कॉर्बेट रिजॉर्ट में, और काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है ये बजट में। तो आपको दिखाते हैं पूरा अंदर से बाहर, 19 रूम्स हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के, और बहुत सारी अच्छी अच्छी एमिनिटीज़ भी है। तो शुरू करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलना। तो आइए, तो ये होटल का रिसेप्शन एंट्री पॉइंट, और हमारे साथ जीवन जी हैं। तो जीवन जी बताएंगे पूरा रूम्स के बारे में, तो आप बताइए कौन कौन सी कैटेगरी के रूम्स हैं। हमारे पास प्रीमियम रूम है, डिलेक्स हैं जी, एंड ग्राउंड फ्लोर है, ओके, एंड रेस्टोरेंट है, आप देख लीजिएगा जी। तो ये है रिसेप्शन एरिया, तो यहाँ पर बैठने का एरिया है, सिटिंग एरिया, कॉमन एरिया भी बोल सकते हैं, और टेबल टेनिस कोर्ट लगा हुआ है, साथ में बैडमिंटन कोर्ट भी है आगे, लेकिन ये यहाँ पर कैरम बोर्ड वगैरह है, मतलब इंडोर गेम्स टाइप का है ये एरिया, और लूडो वगैरह सब कुछ, छोटे छोटे गेम्स सारे हैं। इधर है रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट देख लेते हैं, डाइनिंग एरिया, तो ये रेस्टोरेंट एरिया है, और यहाँ पर बूफे वगैरह भी लगता है, ऐसे बड़ा ग्रुप आता है, या आप ग्रुप में 50 से 100 लोग, मतलब कंपनी के लिए भी कुछ लोग कॉरपोरेट रूम्स बुक करते हैं, मतलब कंपनीज जो ट्रिप्स कराती हैं, तो उसके लिए सिस्टम पूरा है यहाँ पर, और अच्छा खासा सिटिंग एरिया है, आई थिंक 20 से 25 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर है, तो आराम से यहाँ पर प्रॉपर एक बड़ा ग्रुप आ सकता है। तो कॉर्पोरेट बुकिंग में मतलब कितने लोग मैक्सिमम आप ले सकते हैं, जैसे कोई ग्रुप आता है किसी कंपनी का, 50-60 लोग, 100 लोग? सर 40 से 45 लोगों का लेते हैं। 40 से 45 लोगों का आप लेते हैं, 20 रूमों की है तो 3x डबल बेड उसके हिसाब से लेते हैं। ओके, इस एरिया के बारे में बताइए, कॉमन एरिया के बारे में। सर यहाँ गेम्स का है एक्चुअली, ये है टेबल, ये है कैरम, एंड यहाँ पर हम डिनर भी करवा सकते हैं, लंच वगैरह, ओके, लोगों को, एंड कैरम का है, टीटी का वो है, एंड बैंडल वहाँ चुका है, वहाँ चालू है। तो ये और बड़ा सिटिंग एरिया है, ओपन है यहाँ पर, वो थोड़ा क्लोज्ड में था, ये ओपन में, और रेस्टोरेंट भी के साथ वॉशरूम भी बना हुआ है, तो ज़्यादा दूर नहीं है कुछ चीज़ें, किचन इनका पास। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करवाते हैं गेस्ट को, अच्छा लगता है यहाँ पे। ओके, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए अच्छा है, तो अच्छा लगता है, मतलब दिसंबर जनवरी। ओके, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं, और बैडमिंटन का कहाँ पे आप बताओ? यहीं पे करवाते हैं सर एक्चुअली, यहीं पर हो जाता है, नेट निकाला हुआ है एक्चुअली ना बच्चे। ओके, अच्छा, ये नेट के लिए पाइप लगे हैं, यहाँ पे लगा के बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी का रूम है? ये ग्राउंड फ्लोर का है सर। ओके जी, तो इसका बताइए इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है और क्या प्राइस है? प्राइस सर 300 आपको बता दिया होगा, 3000 जी सर। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एसी वगैरह टीवी वगैरह सब कुछ है, और व्यू भी अच्छा है, सामने से विंडो एरिया काफी अच्छा है, स्पेस भी काफी अच्छा है, मतलब काफी बड़ा रूम है 3000 के हिसाब से। वॉशरूम देख लेते हैं, वॉशरूम भी काफी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, तो ये मिक्सर वगैरह प्रॉपर लगा है यहाँ पे, और वॉशरूम काफी साफ सुथरा है, फुल साइज अलमीरा है, कॉफी वगैरह के लिए है, टी का है हमारे पास, टी कॉफी कैटल वगैरह मिलेगी यहाँ पे गर्म पानी करने के लिए, और इंटरकॉम भी लगा हुआ है, तो किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट इंटरकॉम से आपको मिल जाएगा, आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी सेम रूम है, सेम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं आप इसको? जी 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 सर, ग्राउंड फ्लोर रूम है, बट इसका व्यू अच्छा है, प्राइस सेम है। तो यहाँ पे देखो गार्डन व्यू है प्रॉपर, और यहाँ से बाहर बैठ सकते हैं आप गार्डन में, तो ये अच्छी चीज़ है, अंदर भी बैठने का है, मतलब जो चेयर वगैरह है काफ़ी यूनिक स्टाइल है। तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी है? ये प्रीमियम है सर। तो प्रीमियम कैटेगरी है, इसमें आ जाते हैं, बेसिकली ये फर्स्ट फ्लोर पर है, तो प्रीमियम कैटेगरी है, बालकनी है अच्छी, यहाँ से भी व्यू ज़्यादा अच्छा है। एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ यहाँ से देखो, पहाड़ों का भी व्यू आ रहा है, सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ों का व्यू आ रहा है काफी अच्छा, मतलब नीचे वाले रूम से अच्छा व्यू है ऊपर। बाकी वॉशरूम वगैरह देख लेते हैं, ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी फुल साइज प्रॉपर अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो इसका क्या प्राइस है? सेम है सर 3000 प्राइस। हाँ, तो प्रीमियम और ग्राउंड फ्लोर का प्राइस सेम है 3000। तो ये यहाँ का गार्डन एरिया है, मतलब वॉक इन एरिया, आप जैसे डिनर वगैरह लंच वगैरह करके आराम से वॉक कर सकते हैं।
बहुत ही सुंदर बना रखा है, काफी यूनिक टाइप की घास है ये। घास मैंने देखी डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल घास नहीं है, कुछ अलग चीज आपने लगाई है। तो अब एक दो रूम और देख लेते हैं। इनके पास एक खास बात है, सर ने अभी मुझे बताई कि यहाँ पर सेम प्राइस है सारे रूम्स का। तो आप प्रीमियम लो, ग्राउंड फ्लोर लो, उधर की साइड लो या इधर एंड की साइड लो, स्विमिंग पूल की साइड लो, कहीं भी लो, सेम प्राइस मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपको अगर रूम्स फ्री हैं तो आपको स्विमिंग पूल साइड और ये वाला साइड का एरिया भी मिल जाएगा और सेम प्राइस में, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो ये है इनका बेस्ट व्यू वाला रूम, सेम रूम है, सब कुछ सेम है बट व्यू का डिफरेंस है। और सामने देखो स्विमिंग पूल है इनका, बिल्कुल साफ सुथरा पानी स्विमिंग पूल का। और व्यू देखो सामने, व्यू बहुत ज़बरदस्त है। और 3000 में, मतलब 3000 में कहाँ मिलेगा आप मुझे बता देना कमेंट करके, अगर आपको कहीं मिलता है सामने मैं हूँ मुझे बता देना कमेंट करके। बहुत बढ़िया रूम है, बहुत सुंदर और हट स्टाइल है ये। देखो ऊपर हट स्टाइल के रूम है ये, तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आम के पेड़ भी लगे हुए हैं, तो जब आम का सीज़न है आम भी खा सकते हैं। बिल्कुल सर, मैंगो बहुत होता है। हाँ जी, तो ये है स्विमिंग पूल और यहाँ बैठ के आप व्यू का आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो ये बच्चों का अलग से बना हुआ है और बड़ों के लिए ये पूल है। इस पूल की डेप्थ क्या है? 5.5 फुट। 5.5 फुट एंड यहाँ 3, यहाँ पर 3 फुट है, वहाँ पर 5.5 फुट है। तो एडल्ट के लिए प्रॉपर 5.5 फुट की डेप्थ है, काफ़ी अच्छा है। मतलब एरिया भी काफ़ी लंबा है स्विमिंग करने के लिए, प्रॉपर आपको एक लैप लेने में टाइम लगेगा मतलब। और कवर्ड है हर जगह से, तो अच्छा, ये भी अच्छी प्राइवेसी है। प्लस सामने व्यू है, इधर की साइड भी व्यू है। इनका एक सामने रूम है एक और, वहाँ से भैया कह रहे हैं और अच्छा व्यू आता है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। सो ये है इनका बेस्ट व्यू वाला रूम, मतलब दो रूम है बेस्ट व्यू वाले, एक सामने वाला है बिल्कुल जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो वाला। प्लस यहाँ से देखो पहाड़ का व्यू, ये पहाड़ का व्यू आ रहा है, बीच में शीशा है, मैं आपको बाहर बालकनी से दिखाता हूँ। ये देखिए बालकनी से है सामने स्विमिंग पूल और पहाड़ का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ पर काफ़ी सुंदर आ रहा है। तो इसका प्राइस भी सेम है? जी सर। बहुत बढ़िया, तो मतलब आपने तो बेस्ट डील दे दी लोगों को। इसमें फ्रिज भी लगा होगा? फ्रिज भी है यहाँ पे, ओके। तो आपने तो पहले बताया नहीं ना, आपने फ्रिज भी है यहाँ पर, ओके नाइस। तो मतलब मेरे हिसाब से 5000 वाली चीज़ आप 3000 में दे रहे हो, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह चाय के लिए सब कुछ पड़ा हुआ सामान। तो नवदीप जी है हमारे साथ, नवदीप जी बताएंगे कुछ जो डाउट्स आप लोगों के रहते हैं हम पूछ लेते हैं। तो सर तो एक चीज़ बता दीजिए कि पार्किंग का स्पेस कितना है आपके पास? पार्किंग कल 17-18 गाड़ियाँ आई हुई थी सर। ओके, 17-18 गाड़ियाँ यहाँ पे आ सकती है, मतलब अगर आपको कॉर्पोरेट। कुछ अंदर लग रही थी, कुछ बाहर थी। कुछ बाहर, ओके। तो जैसे कॉर्पोरेट वगैरह बुकिंग होती है तो यहाँ पर हो सकती है। रेस्टोरेंट भी काफ़ी बड़ा है, बूफे वगैरह है और स्विमिंग पूल भी बड़ा है, तो वो चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था पार्किंग का। और आप मुझे बताइए लोकेशन क्या है यहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन? लोकेशन ढिकुली में है सर, ये ढिकुली में, ये गिरजा मंदिर से थोड़ा सा पहले पड़ जाता है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। इसके साथ में लासवाना है, लासवाना और नदिया पड़ाव है, नदिया पड़ाव और लासवाना के बीच में पड़ जाती है। ओके, तो आप नदिया पड़ाव लासवाना के बीच में, आपको बोर्ड दिख जाएगा रोड पर ही, हमने जो दिखाया था स्टार्टिंग में वो बोर्ड आप देख के आ सकते हैं, नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो आप नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फूड वगैरह का बताइए सर, टाइमिंग क्या क्या रहता है? सुबह ब्रेकफास्ट 8 से 10 है, ओके। लंच 1 से 3 है, ओके। और डिनर 8 से 10 रहता है। डिनर 8 से 10, 10 बजे तक आपको रूम सर्विस भी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी सर। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी दोनों है मैम, दोनों वेज नॉन वेज दोनों आपको मिलेंगे। गेम्स वगैरह क्या क्या है सर आपके पास? गेम्स सर ये बैडमिंटन कोर्ट है जी, टेबल टेनिस है, ओके। इंडोर गेम मिल जाएंगे, ठीक है। कैरम वगैरह लगे हुए हैं, ये बच्चों के लिए झूले हैं, बच्चों के लिए झूले हैं, हाँ वो आगे पूल है आपने देखा होगा। जी जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्राइस सर ने हमें 3000 बताया था, हाँ ठीक है सबका। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सारे रूम्स का सेम प्राइस है, पहले 3000 है, 35000 है, वो वीकेंड पे 3500 हो जाता है वीकेंड पे, मतलब डे टू डे वेरी करता है बट अप्रॉक्स यही रहेगा। दूसरा रीजनेबल रेट ही है, रीजनेबल रेट है, जाएंगे तो सब खुश होके जाते हैं, तो पैसे मायने नहीं रखते सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग हमारे चैनल के थ्रू आएंगे हिल्स ऑन व्हील्स, उनको आप एक स्पेशल डिस्काउंट दीजिएगा, जो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वो आप कंफर्म है? हाँ जी, भेजो तो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर।